दोस्तों सोनाली फोगाट जब से इस दुनिया से गई है, हमने कभी भी उनकी 15 वर्षीय बेटी यशोधरा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उस बच्ची ने एक छोटी सी उम्र में कितना कुछ झेला है, हम इसकी शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उस बच्ची के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये सिर्फ वही समझ सकती है। जिस बच्ची ने छोटी सी उम्र में पहले अपने पिता को खोया, उसके बाद ही उसने अपनी माँ को ही अपना सब कुछ माना था। उसके लिए सोनाली फोगाट ही उसकी माता पिता, उसकी बेस्ट फ्रेंड सब कुछ थी। दोनों के बीच काफी गहरा और मजबूत संबंध था, लेकिन सोनाली के जाने के बाद यशोधरा की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। वो लगातार बस एक ही चीज की मांग कर रही थी कि जल्द से जल्द मेरी माँ को न्याय मिले। अब जाकर लगता है कि भगवान ने यशोधरा की प्रार्थना सुन ली और उसके परिवार के लिए खुशी की लहर तब आई जब गोवा की राज्य सरकार ने सोनाली फोगाट के मामले को CBI के हाथों में सौंप दिया। अब बेटी यशोधरा के मन में एक आशा की लहर दौड़ी है और उसने इस बीच अपना एक बड़ा बयान दिया है। आइए इस बारे में बताते हैं आपको वीडियो में। माँ के जाने के बाद यशोधरा काफी मुश्किलों के कटघरे में खड़ी हो चुकी थी। उसके मन में कई ऐसे सवाल घूमते होंगे जिसके जवाब शायद उसके पास भी नहीं होंगे। आखिर वो इस पूरी दुनिया में अकेले अब कैसी रहेगी, वो अब किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करेगी, या शायद अब वो किसी पर कभी भरोसा भी ना करे, क्योंकि उसकी माँ ने भी जिस पर हद से ज्यादा भरोसा किया था वही सुधीर सांगवान उनकी जान का दुश्मन बन गया था। ऐसे में अब यशोधरा के लिए जिंदगी काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने अपने हिम्मत को टूटने नहीं दिया और फैसला किया कि वो अपनी माँ के हर अधूरे सपने को पूरा करेगी। सोनाली फोगाट के जाने के बाद से ही यशोधरा लगातार सरकार से इस मामले की CBI जाँच की मांग कर रही थी। उसका कहना था कि मेरी माँ बेगुनाह थी, फिर भी उनके साथ इतना सब कुछ हुआ, मैं अपनी माँ को न्याय दिलाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आपको बता दें कि यशोधरा लगातार अपनी मांग पर अड़ी हुई थी और अब जाकर उसकी मांग के आगे सभी को आखिर झुकना ही पड़ा। सोनाली फोगाट का मामला अब CBI के हाथ में है और उसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सुधीर द्वारा CBI के सामने कई सच उगलने की पुष्टि भी की गई है। इस खबर ने यशोधरा के दिल को एक सुकून दिया है और उसका कहना है कि अब जब मामला CBI के हाथ में है तो मुझे अब विश्वास है कि मेरी माँ को जल्द ही इंसाफ मिले। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब मेरी माँ को पूरी तरह से इंसाफ मिल जाए। दोस्तों यशोधरा के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।